बोल फैमिली का बड़ा नुकसान, सीनियर एंकर पर्सन बेलाग सहाफत का नुमाया नाम अरशद शरीफ की कीनिया में शहादत। नैरोबी में दौरान सफर गोली मार दी गई, पुलिस की तस्दीक वजूहात मालूम ना हो सकी। 49 साल जिंदगी में अरशद शरीफ हमेशा हक और सच के लिए डटे रहे। कौमी और बैन अलाक्वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की, अस्करी मामलात पर गहरी नजर रखते थे। अरशद शरीफ की शहादत ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। कब हम हुकूमती ज्यादतियों से महफूज होंगे, इमरान खान का ट्वीट में सवाल। लिखा, बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कब अमल होगा। चेयरमैन पीटीआई की अरशद शरीफ की रिहाइश का आमद, वालिदा और बच्चों से इजहार अफसोस और ताजियत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर पूरी कौम अशकबार। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर हैरान और परेशान हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं, अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर दिल लहू लहू है। परवेज खटक, असद उमर, मुराद सईद, उमर सरफराज शीमा ने अरशद शरीफ को कौम का हीरो करार दे दिया। शेख रशीद का कातिलों को बेनकाब करने का मुतालबा। बोल न्यूज के सीनियर रैंक पर्सन अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। आईएसपीआर का बयान, कहा अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कीनिया हुकूमत की रिपोर्ट आना जरूरी है। अरशद शरीफ की शहादत पर किसी को सियासत करने की जरूरत नहीं। मरियम औरंगजेब की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताजियत। कहा, वजीर आजम ने वजारत खारजा को मैयत की वापसी, जल्द वापसी की हिदायत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं, हुकाम ने मैयत की शनाख्त की, नैरोबी में सर्द खाने में मौजूद है। नागहानी मौत पर कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा की अरशद शरीफ के अहले खाना से ताजियत। अरशद शरीफ की बॉडी कहाँ है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। सेक्रेटरी दाखला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी, नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत, कल रिपोर्ट तलब कर ली। वालिदा ने अपील में कहा था कि उनके बेटे की लाश पाकिस्तान लाई जाए, वाकये की तहकीकात की जाए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ पूरी कौम को सोगवार कर गए, सोशल मीडिया पर भी इजहार अफसोस का सिलसिला जारी। हैशटैग अरशद शरीफ और कौम का हीरो अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गए। हज़ारों सारफीन ने उनकी शहादत को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद, इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान नाअहली केस में जल्दबाजी क्या है, 3 दिन में मुसद्दिका कॉपी ना मिली तो मामला देखेंगे, जब फैसला ही नहीं तो किस फैसले को मुअत्तल करें, तहरीरी फैसला आने दें। इमरान खान को 3 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत, नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। बेलिबास किए जाने पर मर चुका हूँ, खुदकुशी हराम होने की वजह से जिंदा हूँ, झोली फैलाकर अज़खुद नोटिस की दरख्वास्त कर रहा हूँ। आजम स्वाति इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, कहा अदालत पूछे एफआईए के साथ सफ़ेद लिबास में कौन थे। पीटीआई ने भी नारवा सुलूक पर अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। जिनसी हरासगी समेत कई कानून में खामियाँ हैं, अदालत आलमी कन्वेंशन के मुताबिक कानून साजी की हिदायत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ने कहा आलमी कन्वेंशन में निजी अफराद की करप्शन का भी तस्करा है, निजी अफराद कंपनियां हुकूमत को गलत रिपोर्ट्स भी दे सकती हैं। कस्टोडियन टॉर्चर जारी है, जेलों में कैदियों की तस्दीक की जाती है। अडियाला जेल, जेल कम और हिरासती मरकज ज्यादा लगती है, गुंजाइश से ज्यादा कैदी होना अज़खुद एक टॉर्चर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स, अडियाला जेल में शिकायती सेल कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी है, रिपोर्ट को हम पब्लिक कर रहे हैं, बेबस लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता। आईजी जेल खानाजात और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर नंबर वन, बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्वजनिक ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर वन। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।